प्यार और उम्र विक्रांत। भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर आजकल गुस्से में चढ़ रहे हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अपने स्टाइपेंड को मांग को बढ़ाने के लेकर लगातार दूसरे दिन भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हालांकि ओपीडी सेवाएं को बाधित कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मरीज जो है बेहाल है। हालांकि जूनियर डॉक्टर का क्या कुछ कहना है, जरा पहले ये सुनिए। की मांग को लेकर आप लोग यहाँ एकजुट हुए और काफी मार्च किए हैं, क्या क्या आज आपने किया है और क्या है आपकी मांग? कल हम लोग का सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, उसमें कुछ बंद नहीं किया गया था। आज हम लोग अगर गवर्नमेंट नहीं सुन रहे, कुछ ध्यान नहीं दे रहे, उसके कारण हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ ओपीडी बंद करने का, इसलिए हम लोग वर्क विड्रॉल किए, ओपीडी बंद किए हैं। अगर इससे भी नहीं मानते तो आगे हम लोग फर्दर कुछ करेंगे। लगातार आप लोग मांगे कर रहे हैं, लेकिन आप लोग मांगे पूरी नहीं हो रही। हम लोग लगातार छह साल से मांगे कर रहे हैं। छह साल में कुछ सिर्फ आश्वासन मिलता है कि हाँ हम लोग का स्टाइपेंड बढ़ जाए, यहाँ तक पारा मेडिकल से लेके वेटनरी तक का स्टाइपेंड बढ़ चुका है, लेकिन हम लोग एमबीबीएस वाले को अभी तक नहीं बढ़ा। छह साल पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे, उन्होंने हम लोग को दो बार आश्वासन दिए हैं और दोनों बार सिर्फ आश्वासन देकर भूल जाते हैं कि आगे क्या करना है। अब नए स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं, क्या कहेंगे उनसे आप? हम लोग उनसे आशा तो ही करते हैं, हम लोग हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कि हाँ कुछ अच्छा ही होगा। उनसे आशा करते हैं कि हाँ हम लोग को मांगे को सुनेंगे और हम लोग को थोड़ा ध्यान देंगे। क्या अजीत रॉय प्रदर्शन करने लेकिन फिर भी आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही, क्या कुछ प्रॉब्लम है? हमें बिहार के नए युवा स्वास्थ्य मंत्री से बहुत उम्मीद है, वो युवा है, वो जरूर हमारी बातों को समझाएंगे। हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं, आज हमारे स्ट्राइक का दूसरे दिन है, हम ये चाहते हैं कि सरकार हम पर पूरी संवेदनशील है और हमारी मांगों को मानना चाहिए। आखिर क्या कारण के बार बार आप लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं? पता नहीं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री से हमें बार बार आश्वासन नहीं मिला। हम तो ये नहीं पता पाएंगे कि मंत्रालय में कहाँ हमारी फाइल अटकी है या कौन नहीं चाह रहे हैं। पता नहीं क्यों पिछले छह साल से हमारे स्टाइपेंड को रिवाइज नहीं किया। अन्य राज्यों में स्टाइपेंड की राशि क्या है? देखिए, अन्य राज्यों की जब आप बात कर ही दिए तो हम आपको बताते चलते हैं। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड की बात कीजिए, जो हमसे काफ़ी गरीब है, वहाँ स्टाइपेंड 24,600 रुपया है। फिर बिहार के बगल में वेस्ट बंगाल की बात कीजिए, वहाँ स्टाइपेंड 28,900 रुपीज़ है। फिर थोड़ा चलते हैं असम चलते हैं, वहाँ स्टाइपेंड 25,000 रुपीज़ है। यदि अगर बिहार की बात करें तो स्टाइपेंड की राशि क्या है? देखिए, बिहार में स्टाइपेंड 14,700 रुपये है। बिहार के भी दूसरे कॉलेज में जैसे कि IGMS में स्टाइपेंड लगभग 28,000 से 30,000 रुपया और एम्स पटना में भी स्टाइपेंड 25,000 रुपया है। बिहार में भी बाकी कॉलेजेस की कंपेयर में बिहार के कुछ मेडिकल कॉलेज के स्टाइपेंड बहुत कम है। नए स्वास्थ्य मंत्री से क्या उम्मीद रखते हैं? नए स्वास्थ्य मंत्री बेहद युवा स्वास्थ्य मंत्री हैं, नए आए हैं, हमको उनसे बहुत सी उम्मीद है कि वे युवाओं की बात सुनेंगे और हमारे स्टाइपेंड को रिवाइज किया जाएगा। आज आपने ओपीडी सेवा बंद करवाया है, इसमें कितने मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा? मैंने कल भी बताया था, अगर बंद का प्रभाव कम रहता है, हमारे कार्य बहिष्कार का प्रभाव कम रहता है, अगर मीडिया और सरकार ये कहती है कि हमारे बंद का प्रभाव कम है तो हमें खुशी होगी, क्योंकि समाज के जिस अंतिम वर्ग के लोग PMC राजगाह में आते हैं, हम ये कतई नहीं चाहते कि उन्हें थोड़ी भी परेशानी हो। मजबूरन हमें ये करना पड़ रहा है, हम चाहते हैं कि हम वार्ड्स में जाएं, इमरजेंसीज में जाएं और पेशेंट का इलाज करें। मजबूरी है, हमें अपनी मांगों को। अगर बात करें हम तो कितने घंटों का सेवा आप लोग दे रहे हैं? बात हर रोज़ हमारी OPD सर्विस होती है, सुबह 8 बजे से दिन के 2 बजे तक। सप्ताह में 2 नाइट्स भी हमें करनी पड़ती हैं, जिसमें सुबह के 7 बजे तक हम काम करते हैं, ये रेगुलर डेली ड्यूटी करने के बाद। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? अभी तो आज पूरे दिन हम लोगों ने OPD बंद नहीं किया था, 1-2 घंटे किया था, फिर हो रहा है जो कि आपने देखा है। कल से पूरी OPD बंद रहेगी और आगे भी अगर मांग नहीं मानी जाती है तो जो इमरजेंसी हम लोगों ने चालू रखा है वो इमरजेंसी भी बंद की जाएगी। क्या नाम है? डॉक्टर सानू। तो आपने सुना, जूनियर डॉक्टर ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से बिहार की अपेक्षा दूसरे राज्यों में स्टाइपेंड ज़्यादा है और बिहार में ही स्टाइपेंड कम है, इसको लेकर काफ़ी नाराज चल रहे हैं। वो अपने 6 सालों से मांग कर रहे हैं कि उनके स्टाइपेंड को बढ़ाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य मंत्री कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि नए स्वास्थ्य मंत्री को लेकर डॉक्टरों में काफ़ी अपेक्षा है, कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव युवा है, कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर भी युवा है, उसको लेकर काफ़ी उनके दिल में कहीं ना कहीं ऐसा होगा तो जूनियर डॉक्टर के जो बातें हैं और मांगे हैं वो पूरी कर ली जाएगी। सहयोगी आनंद के साथ मैं विक्रांत, न्यूज़ PR पटना। नारा लगाई ना।